तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से वालेकुम। वेलकम टू तो पिजक्साइड यूट्यूब चैनल दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी चैनल पर आपको पिज्स के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली हैं आज का हमारा टॉपिक है हो वाज़ द पादर ऑफ पिजक्स के पेजस के फादर कौन माने जाते हैं पिज के बाप आसान भाषा में बाप कौन माने जाते हैं और इसी वीडियो में इसके वजूहत भी हम जानेंगे एरेस्टोटल इज न इज दादर ऑफ पिजिक्स एरेस्टोटल को पेरिस का बाप माना जाता है एरेस्टोटल को उर्दू में अरस्तु कहते हैं जो अरस्तु के नाम से जाना जाता है एरेस्टोटल इंट्रोड्यूस दर्ल्ड पर दर्स्ट टाइम इन द लेट अराउंड 350 सौ पचास बी सी अरस्तू ने तीन सौ पचास बी सी में पेरिस के वर्ल्ड को पहली दफा इंट्रोड्यूस किया था इसका तारब किया था इट इज बिकाज आप टू रीजन अरस्तु को पिजक्स का बाप दो मेन वजुहत के बिना पर माना जाता है और वो वजुहत कौन से है पहली वजह क्या है पहली वजह ये है पिजिक्स डिराइव फ्राम ग्रीक वर्ड पिजक्स जैसा कि यूनानी लपज प्यूजिस से लिया गया है पिजिक्स डिराइव फ्राम ग्रीक वर्ड वर्ड द वर्ल्ड प्यज्ड इन्वेंटेड बाई एरेस्टोटल फॉर द फर्स्ट टाइम और यही वर्ड ये यही प्यज लपज्ज एरस्टोटल ने अरस्तु ने पहली दफ़ा ईजाद किया था इसी वजह से एक वजह यह है और दूसरी वजह द फर्स्ट बुक अबाउट फिजिक्स वॉज रिटन बाई एरेस्टोटल पहला किताब पहला बुक फिजिक्स के बारे में अरस्तु ने लिखा था ये जानकर आप हैरान होंगे कि इतने बड़े सारे साइंटिस्ट हैं लेकिन एरेस्टोटल ने पहला किताब फिजिक्स के बारे में लिखा था ड्यू टू दिस टू रीज़न एरेस्टोटल इज़ नोन एज द फादर ऑफ़ फिज़िक्स इन्हीं दो वजूहत के बिना पर एरस्टोटल को पेरेस का बाप माना जाता है मोर ओवर एरेस्टोटल वॉज लिटरली अ पर और एरस्टोटल हकीकत में एक पिलास था दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक करें शेयर करें इन कमेंट भी करें आपके हर मुमकिन कमेंट का मुमकिन तौर पर रिस्पांस दिया जाएगा जो भी कमेंट आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन हो आपके जहन में इसी वीडियो के मुताबिक या पेरेस के और टॉपिक के मुताबिक